कोई प्रकार किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं है हमारे उधर ट्रफ पे, ना तो चेंजिंग रूम है, ना पीने का पानी है, ना वॉशरूम है, कुछ भी नहीं है, गोल पोस्ट भी नहीं है। और हमारे यहाँ से तो बल्कि 3 लड़कियाँ ओलंपिक में गई थी, इसी ग्राउंड से उन्होंने यहीं से सफ़र तय किया ओलंपिक तक। अगर कुछ सुविधाएँ मिल पाती, डाइट वगैरह होता अच्छा, या फिर कुछ अच्छी और स्कीम देते हमें ताकि हमारे बच्चे और ज़्यादा आगे जा सकें। गोल पोस्ट बिल्कुल ख़राब है, 9 पे मतलब फट्टे वगैरह कुछ भी नहीं है और ये सारे टूट चुके हैं, 9 पे नेट है तो हमें लेने में दिक्कत होती है क्योंकि कुछ दिखता भी नहीं है इसमें। सुविधा तो जनाब ऐसा है कि ना के बराबर है, ना यहाँ कोई चेंज रूम है, यहाँ से काफ़ी दूर पड़ता है, खासकर मोस्टली लड़कियों के लिए। अगल बगल में जो है ना कोई चेंज रूम चाहिए, बाथरूम जाना और है, और इसकी सफाई देखो, एक मिनट का जो ना एस्ट्रोटर्फ पर टाइम नहीं मिलता, कभी लड़के आते हैं कभी लड़कियां आती हैं, और कोई सफाई का प्रावधान नहीं है, चारों साइड से एंगल वगैरह टूटे पड़े हैं, ना कोई बैठने का है। सुविधाएँ तो हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं है, मैं बार बार इस चीज़ का जिक्र करती हूँ तो मुझे भी थोड़ा बहुत शर्म आने लगती है क्योंकि इतने साल से हम बोल रहे हैं भाई हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है, अब तो हमने सोच लिया भाई जो भी सरकार देगी ठीक है, हमने उसमें भी काम करना, और मैंने बहुत कम सुविधा में ही काम करके दिखाया है, तो जब सरकार चाहेगी जब देगी, लेकिन हमारे पास बहुत ज़्यादा सुविधाएँ नहीं है। आपको पता होगा एस्ट्रोटर्फ भी है, वहाँ पे भी एस्ट्रोटर्फ पे हमारे पास कोई सुविधा नहीं है, एस्ट्रोटर्फ ख़राब हो चुका बिल्कुल, और गोल पोस्ट वगैरह भी नहीं है, और कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई पानी लगाने वाला नहीं है, मतलब एक तरीके से बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ वो ग्राउंड, उस पर कोई भी जाके खेल सकता, उसकी कोई रखवाली नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई सफाई नहीं है, कोई सेफ्टी नहीं है। खेल मंत्री जी सुनिए, अगर आपने नहीं सुना तो इन हॉकी खिलाड़ियों की कौन सुनेगा, कैसे देश के लिए महिला खिलाड़ी हॉकी में मेडल ला पाएंगी, मंत्री जी आपको सुनना होगा। ये सोनीपत सेक्टर 4 का हॉकी ग्राउंड है जहां खिलाड़ियों के लिए ना तो पीने के पानी की सुविधा है और ना ही एक अच्छा मैदान, अगर मैदान है तो उसके अंदर महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम और वॉशरूम जैसी सुविधाएं नहीं है, मंत्री जी आपको सुनना होगा, क्योंकि ये वो मैदान है जहां से 3 बेटियां देश के लिए ओलंपिक खेल चुकी हैं, लेकिन आज भी इस ग्राउंड के हालात बद से बदतर हैं, ग्राउंड में गोल पोस्ट भी टूट चुके हैं। आपको एक बार फिर सुनाते हैं यहां के खिलाड़ियों और कोच की बात, जिसकी दुहाई वो सरकार से कई बार लगा चुके हैं लेकिन खोखले आश्वासन के अलावा कुछ हासिल अभी तक नहीं हुआ। मैं सीनियर नेशनल सिल्वर मेडलिस्ट हूँ। हॉकी के खिलाड़ी हो? हाँ जी। किस प्रकार की सुविधा आपको यहाँ पर मिल रही है, किस प्रकार की सुविधा नहीं मिल रही है? हमारे यहाँ कोई प्रकार किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं है हमारे उधर ट्रफ पे, ना तो चेंजिंग रूम है, ना पीने का पानी है, ना वॉशरूम है, कुछ भी नहीं है, गोल पोस्ट भी नहीं है। और हमारे यहाँ से तो बल्कि 3 लड़कियाँ ओलंपिक में गई थी, इसी ग्राउंड से उन्होंने यहीं से सफ़र तय किया ओलंपिक तक का। क्या क्या नाम है, कौन कौन खिलाड़ी? नेहा गोयल, निशा शर्मिला। उसके बाद भी सरकार ने कोई तो ध्यान नहीं दिया, ग्राउंड में कोई सुविधा दी जाए? नहीं, कोई भी सुविधा नहीं, बल्कि इतना अच्छा खेल के आए, वो अच्छा प्रदर्शन रहा, उसको देखते हुए तो सरकार ने कुछ फैसला लेना था लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा। हमने बहुत बार कोशिश भी किया है सरकार से लेकिन कुछ नहीं मिल पा रहा। क्या लगता है कि सुविधा पूरी होती तो और भी लड़कियाँ जा सकती थी? यस बिल्कुल सर, अगर कुछ सुविधाएँ मिल पाती, डाइट वगैरह होता अच्छा, या फिर कुछ अच्छी और स्कीम देते हमें ताकि हमारे बच्चे और ज़्यादा आगे जा सकते। गोल पोस्ट बिल्कुल ख़राब है, 9 पे मतलब फट्टे वगैरह कुछ भी नहीं है और ये सारे टूट चुके हैं, 9 पे नेट है तो हमें लेने में दिक्कत होती है क्योंकि कुछ दिखता भी नहीं है इसमें। किस प्रकार की सुविधा इस ग्राउंड में आप लोगों को मिल रही है? हमें कुछ भी नहीं मिल रहा क्योंकि यहाँ पे ना चेंजिंग रूम, वॉशरूम वगैरह कुछ भी नहीं है, और टर्फ पे भी हमें बहुत कम टाइम मिलता है प्रैक्टिस करने के लिए। पीने के पानी की व्यवस्था नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, ना वॉशरूम है, ना चेंजिंग रूम है, परेशानी है उसके लिए। हाँ जी। जो अपनी 3 खिलाड़ी ओलंपिक में खेलने गई थी इसी ग्राउंड से गई थी? हाँ जी, इसी ग्राउंड से गई थी। क्या नाम था? नेहा गोयल, निशा वारसी और शर्मिला। इसकी कभी कंप्लेंट भी की है कि इस प्रकार की सुविधा यहाँ पे? हाँ, बहुत कंप्लेंट किया पर कोई कुछ करता ही नहीं है, किसी सब के पास गए हैं, DC वगैरह सब के पास गया पर कोई कुछ नहीं करता, सबको कंप्लेंट किया है। देखो सुविधाएं तो हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं है, मैं बार बार इस चीज़ का जिक्र करती हूँ तो मुझे भी थोड़ा बहुत शर्म आने लगती है क्योंकि इतने साल से हम बोल रहे हैं भाई हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है, अब तो हमने सोच लिया भाई जो भी सरकार देगी ठीक है, हमने उसमें भी काम करना, और मैंने बहुत कम सुविधा में ही काम करके दिखाया है, तो जब सरकार चाहेगी जब देगी, लेकिन हमारे पास बहुत ज़्यादा सुविधाएँ नहीं है। आपको पता होगा एस्ट्रोटर्फ भी है,
वहाँ पे भी एस्ट्रोटर्फ पे हमारे पास कोई सुविधा नहीं है, एस्ट्रोटर्फ ख़राब हो चुका बिल्कुल, और गोल पोस्ट वगैरह भी नहीं है, और कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई पानी लगाने वाला नहीं है, मतलब एक तरीके से बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ वो ग्राउंड, उस पर कोई भी जाके खेल सकता, उसकी कोई रखवाली नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई सफाई नहीं है, कोई सेफ। देखो स्थितियाँ तो हमेशा खिलाड़ियों के सामने बहुत कमज़ोर रहती है, आप कहीं भी देख लीजिए, चाहे कहीं भी हो, चाहे स्पोर्ट्स मिनिस्टर संदीप हो या जो भी हो, लेकिन संदीप सिंह हमारे हॉकी के स्पोर्ट्स मिनिस्टर है और मुझे बहुत उम्मीद है उन पे कि वो सोनीपत की तरफ भी देखेंगे, क्योंकि हमने उनको बता चुके हैं कि हमें यहाँ पर सोनीपत के ग्राउंड में ये सुविधा चाहिए, उन्होंने हमारा जो है रिपोर्ट ली भी थी, हमने भेज चुके हैं, बाकी देखो उस पर क्या कार्रवाई करते हैं, और हम रिक्वेस्ट करते हैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर से कि कृपया करके हमारे सोनीपत की तरफ भी देखें और उस ग्राउंड को हेल्प। खेल मंत्री जी आपको सुनना होगा और सोनीपत की तरफ भी देखना होगा, क्योंकि सोनीपत के खिलाड़ी भी देश के लिए ओलंपिक मेडल लाने का सपना देखते हैं। चलिए पहले आपको स्थानीय लोगों को सुना देते हैं जो आपसे काफी उम्मीद रखते हैं। बहुत ज्यादा एडवांस लेवल की फैसिलिटीज नहीं चाहते, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि स्पेशली हमारी गर्ल्स के लिए और बॉयज के भी, क्योंकि छोटे बच्चे हैं और खुले में उनको बाथरूम करना जाना पड़ता है, पेशाब करने के लिए जाना पड़ता है, जबकि हमारे प्रधानमंत्री जी का भी नारा है कि स्वच्छ भारत का अभियान मतलब उन्होंने चलाया था, उसके लिए हमको मजबूर भी होना पड़ता है इस चीज़ के लिए कि खुले में जाएं, क्योंकि मजबूरी, बच्चा जब एक बार ट्रेनिंग करता है, पानी भी इतना पीता है, चार चार पाँच पाँच लीटर पानी खुद घर से लेके आते हैं, लेकिन इतने चार चार घंटे ट्रेनिंग करते हैं, आठ से लेकर और बारह सवा बारह, अभी जैसे आप देख रहे होंगे ऐसे हमको एक चार घंटे के सेशन में हम ख़त्म करते हैं, उसके बीच में बच्चों को बहुत सारे पानी की इनटेक की ज़रूरत पड़ती है हाइड्रेट रखने के लिए बॉडी को, और उसके साथ में फिर वो यूरिन पास करने के लिए भी उसको जाना पड़ता है, वो एक सबसे एक बेसिक सुविधा मतलब कि हमारी जो कमी हमको लग रही है कि पानी की, टॉयलेट की, और जो गोल पोस्ट और जो ये नेट वगैरह है इसकी, गोल पोस्ट टूटे हुए हैं, बच्चों को जब आज हम अगर बेसिक सुविधा ये बेसिक में मैं मानता हूँ इसको, मैं और कुछ एडवांस फैसिलिटीज़ भी नहीं चाह रहा, और गवर्नमेंट इतना सब कुछ कर भी रही है और इस पर भी ध्यान दे, इस ग्राउंड पे जहाँ पे सुमित हमारे पास ट्रेनिंग करता है, यहाँ पे निशा है, निशा ये शर्मिला है और सारे बहुत सारे बच्चे हैं इनके अलावा भी, कि जो यहाँ पे मतलब कि एक अच्छे लेवल के बच्चे हैं, अभी हर हॉकी अकेडमी से ही 11 बच्चे वो हैं जो सब जूनियर नेशनल हुआ था, जो उसके मेडलिस्ट हैं, वो सिल्वर मेडलिस्ट, और विकास दहिया हमारा जो गोलकीपर है जो जूनियर वर्ल्ड कप 2016 में इंडिया जीता था, उसका एक वो बहुत महत्वपूर्ण अंग था वो टीम का, तो ऐसे करके हम गवर्नमेंट से सिर्फ हाथ जोड़ के इतनी गुजारिश करते हैं कि ये अगर ये ग्राउंड हमारा बना है इसको अच्छे से मेंटेन कर लिया जाए। जो ना कि यहाँ से चार पांच लड़कियाँ हैं जो हमारी ओलंपिक में, एशियाड में और अपनी इंडिया टीम में अभी भी चार लड़कियाँ गई हुई हैं इस ग्राउंड से, इतनी अच्छी जो ना परफॉर्मेंस देते हुए भी जो ना गवर्नमेंट के खुद जो ना ये सघन माना चाहिए कि भाई जितने भी हम सुविधा दे सकें कोशिश होनी चाहिए, हमारी तो यही जो ना दुआ है हमारी गवर्नमेंट से। आज देख लो जी, तो जिसमें कोई जो ना वो नहीं है पड़ते, उसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, कोई सुविधा नहीं है यहाँ चारों साइड से, आप लोगों ने भी देखा होगा जगह जगह से जो ना जाल टूटा पड़ा है और कोई गेट बंद नहीं हो रहे हैं, ना कोई इधर जो ना सिक्योरिटी है ना और कुछ है, पानी पीने का नहीं है, पानी पीने के लिए भी जो ना घर से बोतल उठा के लानी पड़ती है। वहीं जब इस मामले को लेकर खेल विभाग के अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने क्या कुछ कहा वो आप सुनिए। सेक्टर 4 में स्टेडियम है, वो अभी हुड्डा डिपार्टमेंट के अंडर है, अभी हमारे को हैंडओवर नहीं हुआ है खेल विभाग को, और उसमें कुछ सुविधाएं हैं, कुछ सुविधाएं अभी नहीं दे पाया है हुड्डा डिपार्टमेंट, तो अभी जब भी हमारे हैंडओवर हो जाएगा उसके बाद हम बच्चों के लिए जो भी ज़रूरत की सुविधाएं होंगी हम ज़रूर पूरी करवा, बिल्कुल मैंने भी वहाँ पे राउंड लिया है, मैं एक दो बार वहाँ होके ग्राउंड चेक करने के लिए गई हूँ, हमारे वहाँ दो इंस्टीट्यूट है तो मैंने देखा है वहाँ पे सुविधाओं की कमी है, और इतना बड़ा स्टेडियम है वहाँ पे सिर्फ एक एथलेटिक्स का ट्रैक और हमारा एक हॉकी का स्टोर है जो कि अब भी पुराना भी हो चुका है, उसको भी रिपेयर की ज़रूरत है, लेकिन जल्दी ही गवर्नमेंट इस पे कदम उठाने जा रही है, और भी स्टेडियम है कई जगह जैसे रोहतक है वो भी हुड्डा के अंडर है, जिस दिन भी ये है हमारे खेल विभाग के अंडर में आ जाएगा हम सभी सुविधाएं वहाँ पे जरूर उपलब्ध करवाएंगे, और सरकार ये काम जल्दी से जल्दी करने जा रही है। जब ग्राउंड के मसले पर खेल विभाग के अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने जानकारी दी कि ये ग्राउंड हुड्डा विभाग के पास है और उसकी देखरेख हुड्डा विभाग ही करता है,
लेकिन सवाल ये है कि हुड्डा विभाग भी सरकार का है और हॉकी के सूरमा कहे जाने वाले खेल मंत्री संदीप सिंह भी सरकार से हैं। तो फिर क्यों इन खिलाड़ियों की मांगों को अनदेखा किया जा रहा है और कब तक सुविधाएं देने के नाम पर खिलाड़ियों को केवल आश्वासन ही मिलते रहेंगे, ये तो खेल मंत्री जी आपको देखना होगा। सोनीपत से पवन राठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।